बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। आज हम बनाएंगे आलू के समोसे। जैसे कि अफ्तार हमारे जो है रमज़ान करीम वो भी करीब है, तो आप उसमें अफ्तार टाइम पर ये आलू के समोसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आलू लिए, ठीक है। उनको आपने बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, और आपने इनको थोड़ा मोटा रखना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा समोसे बनाना चाहते हैं तो आप आलू का इजाफा भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसमें ये 3 से 4 मैंने आलू लिए। इसके अलावा इसमें जाएगा धनिया पुदीना, ठीक है, ये है 2 टेबलस्पून। प्याज है तो उसे 3 टेबलस्पून ले लीजिए, उसको भी आप चॉप कर लें। साथ में इसमें जाएगा नमक चॉप, इसमें हरी मिर्च है 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च है। इसके साथ इसमें ज़ीरा है, धनिया है, ठीक है, आपने उसको कूट लेना है। ये हम 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है और ये पीसी हुई लाल मिर्च है, दोनों को हम 1 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। 1 टीस्पून इसमें है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा अजवाइन। अब जो इस अजवाइन जो जाएगा, ये जो उसकी पट्टियाँ बनाऊँगी, होममेड पट्टियाँ इसकी, इसके लिए यह मैंने लिया है, ठीक है, ये मैदा है और ये मैं लिया है, इसके अंदर अजवाइन जाएगा। और साथ में ये मेरे पास घी है, ये हम डालेंगे इसके साथ और बताती हूँ कैसे बनता है ये, ठीक है। मैं सबसे पहले बनाऊँगी इसकी पट्टियाँ, इसके लिए मैदा और इसमें जाएगा नमक। आप अपने हद से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नमक ज़्यादा करना है तो। और इसमें चाहिए अजवाइन। साथ में इसमें जाएगी घी और घी के साथ मिक्स करेंगे। इसमें लहर माने रही, थोड़ा थोड़ा डालिए और इसको मिक्स करते रहें। ये देखें, इसके अंदर जो है जो उसकी पट्टियाँ बनेंगी, ये बिल्कुल तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसकी जो फिलिंग है हम वो तैयार करेंगे। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें मैं डालूँगी प्याज। इसके साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्चें जो मैंने चॉप कर ली थी। अब इसमें डालूंगी बाकी मसाले। इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और जीरा और धनिया। मसाले को आपने जो है हल्का सा कुक करना है। जाएंगे अब आलू। अब इसमें जाएगा नमक। और साथ में धनिया और पुदीना। फिलिंग को आप मिक्स करें और उसको आप ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसकी फिलिंग करेंगे। ये देख लें, आपने इतने बड़े बड़े जो है इसके पेड़े बनाने, इतने छोटे से, ठीक है। और इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा इसमें आप मैदा लगा सकते हैं। ये समोसे की इसके अंदर फिलिंग हम करेंगे। ये देखें, इसको मैंने बेल लिया है, ठीक है, और अब मैं इसको कट करूँगी। देखें, ये बिल्कुल सर्कल सा होना चाहिए, सही है। अब इसके जो बीच के जो लेंथ है, हम इसको यहाँ से इसकी चौड़ाई से कट करेंगे और ये बराबर रखिएगा। ठीक है, इसको आप रख के
दो हिस्से हो गए इसके, आपने एक हिस्सा निकालना है इसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो समोसे बनेंगे वो किस तरीके से। अब आपने एक साइड लेनी है, ठीक है, और इसके समोसे बनाएंगे। जो कॉर्नर का हिस्सा है आपने वो लेना है और आपने इसको ऐसे रखना है, ठीक। एक साइड फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आप दही लगा लें, उसके बाद दूसरा साइड आप रखेंगे। और जो साइड आपकी निकल रही है एक्स्ट्रा वो आप काट दीजिएगा। इसके अंदर फिलिंग डालेंगे, सही है। इसके बाद आप इस पर लही लगा लें और इसकी जो पॉकेट है उसको क्लोज करेंगे। ये देखें, ये समोसे बन गए, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे समोसे बना लेंगे। ये देखें, ये ऑयल है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको पलटूंगी। इसको मैं उतार लूंगी, ठीक है, निकाल लेंगे इसको। और हम इस तरीके से और भी डाल के फ्राई करेंगे। समोसे हमारे जो है सारे फ्राई हो गए, ठीक है, और अब मैं करूँगी इनको सर्व। ये देखिए, ये आलू के समोसे बिल्कुल रेडी हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जैसे कि अभी रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें आपने ज़रूर इसको बनाइएगा अफ्तार में। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।